हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेडियस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की रेडियस को फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके पीछे बेटा बीसीसी इट मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल वाला आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग थर्ड वाला करेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। देखिए बेटा, इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप होता है। हमने एक क्यूब बना लिया है और आपको पता है जितने कॉर्नर्स होते हैं सारे कॉर्नर्स पर आपको क्या करना है, यूनिट सेल प्रेजेंट करना है। तो बेटा एक यहाँ हो जाएगा, यहाँ एक, एक बेटा यहाँ, यहाँ पर एक, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। बेटा एट कॉर्नर्स हैं, एट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए ये फेस सेंटर्ड है बेटा, तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है, जितने फेस होते हैं वहाँ पर भी यूनिट सेल आपको दिखाना होता है। तो एक फेस ये हो गया, एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा बेटा, एक फेस ये रहा, फोर फेस हो गए। अब देखिए एक अगर ये वाला आप लेंगे तो इसमें एक रहेगा, और बेटा अगर ये वाला आप लेंगे ये वाला तो इसमें एक रहेगा बेटा, ठीक है ना। तो कितने हो गए हमारे पास, एट कॉर्नर्स पर सेल हो गए यूनिट सेल, और सिक्स जो है फेसेस पर हो गए। अब हम लोग बेटा क्या कर लेंगे, इसको एक अलग कर लेंगे। मान लीजिए इसको हमने अलग कर लिया है ना, कटअप कर लिया, तो ये कट करके देखिए हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, जितने कॉर्नर्स पर हैं यहाँ 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 पर होगा, और अगर आप ये वाला ले रहे हो तो एक रहेगा, ये एक नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर हम ये वाला बेटा ले रहे हैं तो ये और एक इधर का रहेगा, अगर हम ये वाला लेते तो ये और एक इधर का। तो कहने मतलब एक यूनिट फिल इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक बीच में होगी। चलिए अब ड्रा कर लेते हैं बेटा। तो ड्रा करेंगे आप यहाँ पर जो है बेटा, एक ये हो गया, एक ये वाला, और एक बेटा इस पर रहता है, एक इधर से आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, तीनों यूनिट सेल आपका हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा नॉर्मली क्या होता है, यहाँ देखिए एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर आप इधर वाला भी दिखाना चाहते हैं तो यहाँ दिखा सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ये बेटा ऐसे हो जाएगा। अब देखिए अभी तक जो आपने सिंपल में दिखाया होगा वो बेटा, उसमें जो ये यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल है, इसका जब आप बनाएंगे स्ट्रक्चर तो ये दोनों आपस में क्या रहते थे, अटैच रहते थे। बट अब बीच में जब आ जाता है तो ये इन दोनों को हटा देता है, एक दूसरे से दूर कर देता है बेटा, तो अब ये इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक बेटा। अब देखिए अगर बेटा ये वैल्यू रेडियस आर है और ये पूरा 2R हो जाता है, 2R कैसे हो जाएगा, एक आर ये 2R हो गया और एक बेटा ये R हो गया, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया बेटा हमारा, 4R हो जाएगा, ठीक बेटा। तो बेटा अब हम देखिए हमारे पास क्या है, ये एक ट्रायंगल के शेप का बन रहा है, ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा और वो नाम हम दे देते हैं आपका ABC, ए बी एंड सी, ठीक बेटा। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा BC है, BC कितना है, 4R है। ये आपका दिया रहता है, ये एज होता है, एज आपका A होता है, आपको बताया गया है क्लास में, ये बेटा आपका A हो जाएगा। देन A टू B के बीच की डिस्टेंस भी A हो जाएगी, ये भी एज लेंथ हो जाएगी, ठीक बेटा। अब देखिए इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये आपका ABC है बेटा, ठीक है ना। तो ये भी ABC एक ट्रायंगल हो गया, इसमें पाइथागोरस जब थ्योरम लगाएंगे तो बेटा ये हाइपोटेनियस हो जाता है, ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस आप लिख देंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेटा। अब हाइपोटेनियस हमारा क्या है, BC है, बेस आपका है बेटा AB, परपेंडिकुलर बेटा AC।
अब सारी वैल्यूज़ हम लोग रख देंगे तो देखेंगे टर्म बी सी हमारी कितनी है, 4 आ रहा है, इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है हमारा, ए बी देखिए ये ए है, ए सी कितना है बेटा, ये भी ए है, ठीक। तो बेटा ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इधर 4 4 जा 16 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए ए 2 ए स्क्वायर हो गया बेटा। अब 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 8 जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, 8 आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपका रेडियस आएगा बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 8 आ गया, ठीक है ना। और अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 8। तो ए स्क्वायर का बेटा ए हो जाता है, 8 का क्या हो जाता है, 2 × 2 × 2, इट मीन्स ए अपॉन इसका पेयर लेके बाहर आ जाएगा 2 और रूट 2, ये इनका रेडियस हो गया बेटा ए बाई 2√2, ठीक है। चलिए अब अगर हम नीचे से √2 हटाना चाहें तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके लिए हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू √2 बेटा अपान 2√2 × √2। हमने क्या किया है, इस √2 से दोनों में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ए √2 अपान 2√2√2 हो जाएगा, ए √2 अपान 4 दैट इज आर, ये आपका रेडियस हो जाता है बेटा, ठीक है। और आपको यही फाइंड करना था। तो बेटा ये एफ सी सी के लिए रेडियस का फार्मूला होता है। अब हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस निकालेंगे डायगोनल का, ठीक है ना। तो जो डायगोनल का डिस्टेंस मतलब बेटा ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल है, अब इसका डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो जाता है, डायगोनल डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 आर, एंड 4 आर की वैल्यू कितना है बेटा, ए बाई √2/4 है, 4 4 कट हो जाएगा, क्या हो गया ए √2। ये डायगोनल डिस्टेंस होता है जिससे आप लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस बेटा। तो नेक्स्ट हम दिखाएंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बेटा मतलब ये क्या होता है, हमारा नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। और जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग 2R करते हैं, ठीक है ना। तो 2R 2 है, R की वैल्यू है बेटा ए √2/4 है बेटा, तो 2 2 = 4 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ए √2/2। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना बेटा। चलिए तो देखिए ये बेटा हमारा क्या हो गया, फेयर सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हमारा रेडियस निकल आया बेटा। और रेडियस आने के बाद हमने क्या निकाल दिया, डायगोनल डिस्टेंस निकाल दिया और फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गया बेटा। आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो देखना है और जो हम पढ़ाए हैं उसका असाइनमेंट आपको भेज देंगे हम, ठीक है, जिसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे और कहीं पर भी आपको ना समझ में आए उसको आप पूछ सकते हैं बेटा। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।